एक तरफ जहां पूरा देश होली के रंगों में रंग रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एक आईएएस अधिकारी मिट्टी के रंग में रंगा दिखा। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बात कह डाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल के जिला चंबा की, जहां होली वाले दिन एक ऑफिसर मजदूरी करता नजर आया। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिला चंबा एक पिछड़े जिले की सूची में शुमार है, लेकिन निसंदेह इस तरह के अधिकारियों का किसी महत्वपूर्ण स्थल पर श्रमदान करना बेहद रोचक है। हम बात कर रहे हैं एसडीएम चंबा के पद पर कार्यरत आईएएस अधिकारी नवीन तनवर की, जिन्होंने अपने इस कार्य के माध्यम से युवाओं को एक अच्छा संदेश दिया है। यह स्थान जिला चंबा का वो महत्वपूर्ण स्थान है जब चंबा में राजाओं के काल में पानी का सूखा पड़ गया था और अपनी प्रजा पर मंडरा रहे इस संकट को दूर करने के लिए चंबा की रानी सुनैना ने अपना बलिदान देकर जीवित समाधि ले ली थी। ऐसे में इस आईएएस अधिकारी का इस पैदल मार्ग पर युवाओं के साथ मिलकर मजदूर की भांति काम करना निसंदेह अपने पद की गरिमा को दर्शाता है कि किस तरह से एक आईएएस अधिकारी खुद को समाज के प्रति समर्पित किए हुए है। अक्सर यह देखा गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी सरकार के आदेशों को अमली जामा पहनाने के लिए या फिर सरकार द्वारा चलाए गए किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में सफाई करता है, परंतु आपको बता दें कि यह कार्य किसी सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। इस अधिकारी ने उस पैदल मार्ग को ही साफ नहीं किया, बल्कि लोगों के साथ मिलकर एक कच्ची पौड़ी को भी बनाया। इस अधिकारी को इस तरह से कार्य करता देख लोगों ने कहा कि देश में ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है, जो खुद को अपने पद या फिर किसी कुर्सी के दायरे तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए सलूनी से रेखा कुमारी की रिपोर्ट।